विकास खंड मुख्यालय पे मौजूद है और आज यहाँ पे सांसद जो लोकप्रिय सांसद है और देवी पाटन मंडल में जो शिक्षा के उन्होंने विस्तार बहुत किया, बहुत ऐसे विद्यालय खोले हैं, शिक्षा को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। श्री जो है ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे बीच में मौजूद है, हम सीधे उनसे बात करते हैं कि आज जो ये कार्यक्रम यहाँ हुआ समीक्षा और परिचर्चा, ये काफी लंबी बैठक चली है और एक एक प्रधानों से एक एक अधिकारियों से वार्तालाप करके समस्या का निदान किया, तो सीधे हम सांसद महोदय से बात करते हैं। तो सर आज जो आप यहाँ आए हैं सर, कार्यक्रम ये किया गया है और जो ढाई घंटे तक ये चला सर, तो इसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये मेरा 14वां कार्यक्रम है जी, और मैं इस प्रकार का कार्यक्रम करता रहता हूँ जी। अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही है जन कल्याण के, तो मैंने दल से ऊपर उठ करके और जात मजहब से ऊपर उठ करके मैं ऐसी बैठक बुलाता हूँ और आम जनता से लेकर के और छोटे जनप्रतिनिधियों से लेकर के मैं पूछता हूँ कठिनाई कहाँ, और फिर अधिकारियों से पूछता हूँ कि भाई आपको कठिनाई कहाँ है और ये समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरा ये सर, जैसे कि सर आपने कहा कि भ्रष्टाचार राशन वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार अभी कायम, तो उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार और आपके द्वारा क्या कदम किया जाए? देखिए मेरा मानना है कि जब तक ये खाद सब्सिडी पैसा सीधे इनके खाते में नहीं जाएगा तब तक ये भ्रष्टाचार पर अंकुश पूरा का पूरा लगा पाना बहुत असंभव है। हम लोगों ने प्रयास करके बहुत हद तक लगाया है, मैं बिना नाम लिए बोलना चाहता हूँ, पूर्व में चार चार महीने पांच पांच महीने राशन बटते ही नहीं थे, आज हम लोगों ने कम से कम बाध्य कर दिया, राशन बट रहा है। हम ये सच्चाई स्वीकार करेंगे बस, कि थोड़ा सर लास्ट सर ज्यादा समय नहीं देंगे आपका सर। कर्नाटक में जो आपकी बड़ी पार्टी बनी और तो उसमें सर क्या बधाई देना चाहेंगे, और विपक्ष में राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो उसमें क्या कहेंगे सर? अब जिनके परिवार ने इमरजेंसी लगाई और कैमरा पाचर को खून खराबा कराया और कितनी सरकारों को इन्होंने भंग किया है, अगर एक रिकॉर्ड है पेरिस है पूरा कि इन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है, तो अब ऐसे लोग अगर कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या है। कल मैं मीडिया का सुन रहा था, मीडिया वाले स्वयं पूछ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वोटिंग करा लिया जाए तो लोकतंत्र जिंदा है, अब अगर ना कहता तो लोकतंत्र हत्या है। तो ये राहुल गांधी जी को अभी परिपक्व होने में समय लगेगा, हमको लगता नहीं है वो परिपक्व हो पाएंगे, अब दिक्कत बहुत है। देखिए देखिए इस वक्त आप देख रहे थे, अभी बात हो रही थी जो है पीछे जाइए, मेरे बात हो रही थी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से, जो सीधे उन्होंने अपनी बात रखी है और कोटे पर लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए भी सरकार द्वारा कदम उठाया जाएगा। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक भी छोटे अड्डा जनपद बैराज।